बात यही हो रही थी कि जो भी बॉलिंग करेंगे सब अपने अपने स्ट्रेंथ पे करेंगे, मेरा स्ट्रेंथ कुछ अलग है, जड्डू का कुछ अलग है। तो बेसिकली यही था कि बैट्समैन के लिए प्लान कर रहे थे कि कौन बैट्समैन क्या शॉट्स खेल रहा है या कैसे इनिशियल्स ले रहा है, उस पर ज़्यादा बात कर रहे थे। बट बॉलिंग दोनों हम लोग अपनी अपनी कर रहे थे क्योंकि उसकी बॉलिंग थोड़ी डिफरेंट है, मेरी बॉलिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो अपने अपने स्ट्रेंथ पर बॉलिंग करेंगे। और एक दूसरे को कॉपी करने से बेटर है कि अपने स्ट्रेंथ पे अगर आदमी ज़्यादा बॉलिंग करे, जो आप बचपन से कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मुझे लगता है वही हम लोग कर रहे थे दोनों। नहीं, आईपीएल का एक्सपीरियंस ये होता है कि जब आप आईपीएल और आप कह लेंगे आजकल इंडिया ए के भी मैचेस, बहुत सारे मैचेस होते हैं, तो आप बहुत सारे प्लेयर्स के साथ जो इन टीमों में होते हैं उनके साथ पहले भी खेले रहे हुए होते हो और आप जानते हो कि वो कैसा खेलते हैं। जैसे अभी हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे, इससे पहले हमने ए सीरीज़ खेली साउथ अफ्रीका से, तो बहुत सारे काफ़ी 4-5 प्लेयर हैं जो वहाँ खेल के गए हैं, तो वो भी एक बेनिफिशियरी होते हो। और वो आपको एक नर्व पे कंट्रोल हो जाता है जब आप आईपीएल में भी खेलते हो कि वो भी आईपीएल में ऐसे टाइम पे, जब आईपीएल ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपको बैट्समैन आप पे अटैक करता है, तो वो एक आप पे एक नर्व पे भी कंट्रोल होता है। आप जब इतने बड़े बड़े स्टेज पे पहले भी खेल चुके होते हो, तो आप जब इस स्टेज पे आते हो तो आपको कुछ नया नहीं लगता, ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है।